जय भीम, जय भारत। आप देख रहे हैं एवन टीवी चैनल और मैं शरद मौर्या आपके साथ। आज हमारे स्टूडियो में है बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीएल माथन सर। माननीय वीएल माथन सर, आपका हमारे एवन टीवी चैनल में स्वागत है। चैनल को चलते हुए सर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। मेरा पहला सवाल है कि समाज में हजारों जो पॉलिटिकल पार्टियां रजिस्टर्ड पार्टियां है, फिर एक और बहुजन मुक्ति पार्टी रजिस्टर्ड आपने की है, इसका क्या कारण है? समाज में हजारों पॉलिटिकल पार्टियां रजिस्टर्ड है जी, उसके बाद भी बहुजन मुक्ति पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी जी? क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है जी। वर्तमान में बायपोलर सिस्टम शुरू हो गया है, एक कांग्रेसी सहयोगी दल, एक बीजेपी सहयोगी दल, दोनों की पॉलिसी सेम है। कांग्रेस ने प्राइवेटाइजेशन का शुरुआत किया 91 में विदेशी कंपनियों को बुलाने का। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी बुला रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेशी कंपनियों को बुला रहे। कांग्रेस ने SEZ शुरू किया, नरेंद्र मोदी अमल कर रहा है जी। कांग्रेस ने उद्योगपतियों को टोकन रेट पर जमीन देने का काम शुरू किया नंदीग्राम संगरूर में जी, जी। वहां से भागकर टाटा को गुजरात जाना पड़ा जी। नरेंद्र मोदी 1 रुपये में टाटा अंबानी बिरला अडानी को जमीन दे रहा है जी। कांग्रेस ने एजुकेशन समाप्त करने का कार्यक्रम किया जी, एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन किया जी, सेल्फ फाइनेंसिस कॉलेज शुरू कर दी। वर्तमान में नरेंद्र मोदी ने एजुकेशन कमेटी बनाई, चेयरमैन अंबानी को बनाया जी। अभी गांव गांव तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत स्कूलें खुलेगी। कांग्रेस ने हायर एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन किया, प्राइमरी एजुकेशन खत्म किया। बीजेपी गवर्नमेंट भी वही कर रही है। कांग्रेस ने रिजर्वेशन का नॉन इम्प्लीमेंटेशन किया, कांग्रेस रिजर्वेशन, बीजेपी भी रिजर्वेशन का नॉन इम्प्लीमेंटेशन करके खत्म करना चाहती है। कांग्रेस ने ओबीसी पर क्रिमिनल लागू कर दिया, बीजेपी क्रिमिनल लागू करना चाहती है, इसलिए संविधान, इसलिए आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। ऐसा नौटंकी करते हैं, SST पर आर्थिकता के आधार पर क्रिमिनल लागू कर देंगे। तो दोनों की पॉलिसी एक है जी। यूपीए की पॉलिसी एक है, यूपीए एनडीए की पॉलिसी एक है, और बाकी सारी क्षेत्रीय पार्टियां उसमें समाहित है। तो सवाल यह है कि सत्ताधारी पक्ष का और विपक्ष का, दोनों की अगर नीतियां एक है, भारत में डेमोक्रेसी कहां है? लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इसलिए हमने सोचा कि सारी पार्टियां पार्ट पार्सल बन चुकी है व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। व्यवस्था के विरोध में कोई भी पार्टी नहीं है, और मूल निवासी बहुजन महापुरुषों के उद्देश्य और विचारधारा के आधार पर किसी पार्टी के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, ना कोई नीति है और ना ही कोई कार्यक्रम है। इसलिए हमने सोचा मूल निवासी बहुजन महापुरुष, मूल निवासी समाज के महापुरुषों का के विचारों के आधारित तो समाज में पार्टी निर्माण करना चाहिए। इसके तहत हमने 85% बहुजन समाज की पार्टी निर्माण की है। धन्यवाद सर। इसी के आगे मैं आपसे एक अगला सवाल पूछना चाहूंगा। जिस प्रकार आपने जवाब दिया कि महापुरुषों का हम आंदोलन चलाना चाह रहे हैं, और कोई भी दूसरी पार्टी ऐसी नहीं है जो कि महापुरुषों के कार्यक्रम को चला रही है, उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, तो अभी देखा जाए तो हजारों नहीं लाखों ऐसी पार्टियां हैं जो कि महापुरुषों के, जो हमारे महापुरुष है, इनके आंदोलन, इनके महापुरुषों के जो ये है फोटोज हैं, और इन सबको लेकर आगे दिखाती है और काम करती है, तो ये इन पार्टियों को आप लेकर नहीं काम करेंगे क्या साथ में? हजारों पार्टियां हैं या हजारों पॉलिटिकल लीडर है जी, केवल महापुरुषों के फोटो का इस्तेमाल करते हैं, व्यवहार में उनके विरोध में काम करते हैं जी, व्यवहार में उनके विरोध में काम करते हैं जी। ये समाज को भ्रमित करने के लिए उनको महापुरुषों को फोटो आगे करना पड़ता है, नाम लेना पड़ता है। अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो RPI के जितने भी नेता है जी, बाबा सबका नाम तो लेते हैं,
लेकिन क्या व्यवहार में बाबा साहब के मिशन का काम करते हैं? जैसे रामदास अठावले जी वर्तमान में हिंदू राष्ट्र मजबूत करने में लगे हुए हैं ना आरएसएस का एजेंडा पर। अच्छा, जैसे रामविलास पासवान जी बीजेपी में शामिल है, बीजेपी आरएसएस का प्रोडक्ट है, आरएसएस का एजेंडा हिंदू राष्ट्र बनाने का, पासवान जी लगे हुए हैं हिंदू राष्ट्र में। जैसे रामराज है उदित राज, वो तो शामिल ही हो चुके हैं अंदर हिंदू राष्ट्र के एजेंडा में। जैसे मन मायावती जी है बहुजन कॉन्सेप्ट को छोड़कर सर्वजन में समाहित हो गए। तो वर्तमान में जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने भी अलग अलग पार्टियों के लीडर है, क्या वो भारत में परिवर्तन की राजनीति करते हैं या सत्ता की राजनीति करते हैं? केवल सत्ता की राजनीति करते हैं, सत्ता कैसे हासिल किया जाए, इसलिए किसी के साथ भी समझौता करने के लिए, दुश्मनों के साथ समझौता कर अपना केवल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और इसी सत्ता लोलुपता की वजह से दुश्मन उनका इस्तेमाल कर रहा है। ये बात समाज को मालूम नहीं है, इसलिए वो महापुरुषों का फोटो लेकर समाज को भ्रमित करते हैं। मगर अभी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है लोग BSP को ही मानते हैं, तो ये इनका भ्रम है, ये जो भ्रम है इनका, ये दूर कैसे होगा? उत्तर प्रदेश में लोग BSP को मानते हैं जी, इसके दो कारण है। एक तो मान्यवर कांचीराम जी का बनाया हुआ भेद था, विश्वास पैदा हुआ था समाज में जी, तो आज भी उन लोगों को लगता है कि ये हमारी पार्टी है जी। बल्कि मैं कहना चाहता हूं 2012 में उत्तर प्रदेश में मोहन मायावती जी की सरकार थी जी, और उस समय भी लोग हमसे सवाल पूछते थे और हम कहते थे कि मान्यवर जी कैडर के हमें पढ़ाते थे मान्यवर कांशीराम जी कि ये व्यवस्था है, कड़ी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समांतर करना है, ये खड़ी व्यवस्था है। तो क्या मेजोरिटी में आने के बाद भी एक सेंटीमीटर भी व्यवस्था को हिला पाए क्या? क्योंकि व्यवस्था को बरकरार रखने वाले वर्तमान में उस पार्टी में कमांडिंग में आ गए। तो BSP वर्तमान में ब्राह्मणवादी ताकतों की पार्ट पार्सल बन गई है। इसका सबसे बड़ा सबूत आज की तारीख में बहन मायावती ब्राह्मणवाद या मनुवाद सब तक नहीं बोल सकती। मनुवाद या सब तक बोलने की मनुवाद ब्राह्मणवाद सब तक बोलने की हिम्मत अभी नहीं रही। कॉम्प्रोमाइज की सिस्टम में वो लोग तालमेल कर सत्ता चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का ये कहना है गुड़ के ऊपर मकोड़े आते, गुड़ की हिफाजत के लिए नहीं आते, खत्म करने के लिए आते हैं। जब मान्यवर जी ने सूखा रोटी का अगर साइकिलों से राष्ट्रीय पार्टी बनाई थी, आज अरबों खरबों होने के बाद भी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता बच नहीं पाई। ये बात तो जल्दी अभी समाज में समाज को इस बात का जल्दी एहसास हो रहा है। दूसरी बात कि समाज के पास विकल्प नहीं था, इसलिए मजबूरी में समाज एक्सेप्ट कर रहा था। अब बहुजन मुक्ति पार्टी विकल्प के तौर पर सामने आ रही है, बड़े पैमाने पर हम लोगों को रिस्पांस मिल रहा है उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में। मेरा अगला सवाल है आपसे कि वर्तमान समय में और भविष्य में बहुजन मुक्ति पार्टी जो 85% मूल निवासी समाज है, इसका भविष्य क्या देखती है? पचासी % मूल निवासी बहुजन समाज का भविष्य जी के संदर्भ में बहुजन मुक्ति पार्टी इतना ही कहना चाहती है कि दुनिया की सभी संगठनों में, सभी पॉलिटिकल पार्टियों में जी, भारत के सभी संगठनों में, सभी राजकीय पार्टियों में 15% ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग घुसपैठ कर लिया है। केवल मात्र बहुजन मुक्ति पार्टी ऐसी है कि आज भी उनको एंट्री नहीं है, भविष्य में भी उनको एंट्री नहीं रहेगी। इसके लिए
हम लोग हमारे समाज को 85% को जागृत करना चाहते हैं। जितना हम जागृत करेंगे इतना हम लोग जल्दी ब्राह्मणवादी ताकतों से मुक्त कर पाएंगे। मूल निवासी भोजन समाज का भविष्य ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बदलने में ही, उनकी गुलामी खत्म करने से ही उनका भविष्य निर्माण हो सकता है, और उस भविष्य निर्माण करने के लिए हमने भोजन मुक्ति पार्टी बनाई है। सर, आपने जो अभी मुझे इस सवाल का जवाब दिया उसी में मेरा एक प्रश्न और है सर, कि जिस प्रकार आपने अभी ये कहा कि 85% मूल निवासी समाज का हम कार्य करेंगे, तो ऐसी कई पार्टियां हैं समाज में जो ऐसे वादे करती है और करते आ रही है, और लोग उन पर विश्वास भी कर लेते हैं और धोखा खा लेते हैं, और आप भी अब यही बात बता रहे हैं, तो हम आपके ऊपर विश्वास कैसे करें, इसका आप हमें बताइए खुलकर ये बात। जिन जिन पार्टियों ने मूल निवासी भोजन समाज के साथ धोखा किया है, ये सिद्ध हो चुका है कि ये धोखा किया है जी। और आप हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहे हैं कि आप भी ऐसा करेंगे, हम विश्वास, हमने किया नहीं, उनका सिद्ध हो चुका है जी, उनका सिद्ध हो चुका है, उन्होंने धोखेबाजी ऑलरेडी कर चुके हैं जी। मैं समाज से ये अपील करना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों ने धोखेबाजी की है उनको इतना सबक सिखाना चाहिए कि भविष्य में कोई भी आने वाली पार्टी उनके साथ धोखेबाजी ना करे। ये समाज के ऊपर निर्भर है, जिन्होंने धोखेबाजी की उनका इतना सबक सिखाओ कि भविष्य में दूसरी किसी पार्टी की हिम्मत ही ना हो धोखेबाजी करने की। ये समाज के ऊपर मैं समाज को अपील करता हूँ कि उन धोखेबाजों को इतनी सबक सिखाओ ताकि दोबारा किसी को दोबारा सोच भी न सके कि हमको समाज के साथ विश्वासघात करना है। अच्छा सर, अगला सवाल मेरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा आपसे आखिरी सवाल है सर, आप बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी केवल सत्ता के लिए बनाई पार्टी नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि अंग्रेजों की गुलामी केवल वन फोल्डर गुलामी थी। फाइल एक फोल्डर की भी आती है, फाइल मल्टी फोल्डर की भी आती है, लेकिन वर्तमान में ब्राह्मणवादियों की गुलामी मल्टी फोल्डर की, अंग्रेजों की गुलामी वन फोल्डर थी केवल पॉलिटिकली, और मनुवादियों की गुलामी मल्टी फोल्डर है, धार्मिक गुलामी है, सामाजिक गुलामी है, राजनीतिक गुलामी है, सांस्कृतिक गुलामी है, शैक्षणिक गुलामी है, जीवन के हर क्षेत्र में गुलामी है। उन जीवन के हर क्षेत्र में गुलामी को खत्म करने के लिए, बहुजनों को गुलामी से मुक्त करने के लिए हमने बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण किया है। जीवन के हर क्षेत्र में बहुजनों को मुक्त करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई है। ये इस मुक्ति के आंदोलन में समाज को सहयोग करना चाहिए। सत्ता के लिए समझौता करने वाले मनुवादियों से समझौता कर व्यवस्था को बरकरार रखने वाले के झांसे में नहीं आना चाहिए, बल्कि व्यवस्था को परिवर्तन करने वाली लड़ाई लड़ने में साथ सहयोग करना चाहिए। ये बहुजन समाज से अपील है। धन्यवाद माननीय माधन साहब, आपने हमारे दर्शकों को इतनी बढ़िया जानकारी दी, और साथियों यूं ही बने रहिए A1 TV चैनल से और देखते रहिए नई नई जानकारियां। जय भीम, जय भारत।